नभारा टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं सुजीत मिश्रा और आप देख रहे हैं नभारा टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने आज डायरेक्टर आलोक वर्मा की अर्जी पर सुना एक बड़ा फैसला। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जब सार्वजनिक हो गया तब केंद्र ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया, मगर सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा के अधिकार वापस लेकर उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। आइए जानते हैं इस हाई वोल्टेज सुनवाई में आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा। सुप्रीम कोर्ट में ने श्री आलोक वर्मा और कॉमन कॉज की याचिका, जो कि सीबीआई में जो फेरबदल किया गया है सरकार के द्वारा पिछले 3 दिन के अंदर, उस पर आज सुनवाई करी और सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है कि जो सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ जो सीवीसी ने इंक्वायरी करी है वो 2 हफ्ते के अंदर ख़त्म करी जाए और उसको सुपरवाइज एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.के. पटनायक करेंगे। 2 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश करनी है। दूसरा, उन्होंने बोला है कि जिन सज्जन को, श्री नागेश्वर राव को जो डायरेक्टर एक्टिंग डायरेक्टर बनाया गया है, वो कोई मेजर फैसला, कोई पॉलिसी डिसीशन अब नहीं लेंगे और उनके जितने भी डिसीशंस अभी तक थे, जो फेरबदल किए गए, जो ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र किया गया, पोस्टिंग करी गई, सब सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार को रखने होंगे और इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट 12 नवंबर को करेगा और उसके बाद आगे के आदेश देगा। अस्थाना की तरफ से मुकुल रोहतगी बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम्हारी तो कोई पिटिशन नहीं है, जब तुम्हारी पिटिशन होगी उससे पहले हम नहीं।